नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाला एम एक्सपीरियंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बाल किन किन कारणों से झड़ते हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों को पता चल सके कि हमारे बाल किन वजह से झड़ते हैं और कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, ताकि हम आगे चल के हम अपने बालों की केयर कर सकें और अपने बालों को झड़ने से बचा सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अपने बालों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अभी दोस्तों ठंड का मौसम आने वाला है, जाहिर सी बात है कि आप ठंडे गर्म पानी से ही नहाएंगे। तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, पर अपने बालों को बिल्कुल आप गर्म पानी से ना धोएं, तो ये आप खास ख्याल रखें। दूसरी वजह, अनहेल्दी डाइट। अगर आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप बिल्कुल अच्छी से अच्छी डाइट लीजिए। मैंने डाइट की वीडियो पहले ही बना दिया है, आप आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और तीसरी वजह, अगर आप काफ़ी लंबे समय से आप कोई मेडिसिन का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। तो आप अक्सर आप अगर आप मेडिसिन को आप खास ख्याल रखिए, आप अपने खाने पीने का में हरी सब्जियां या फल फ्रूट वगैरह आप शामिल कीजिए, ताकि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे लड़ने के लिए आपको ताकत मिल सके। आप अच्छी से अच्छी डाइट लीजिए। डाइट की बात हर जगह मैं करता हूँ दोस्तों, और इस वीडियो में भी मैं यही कर रहा हूँ, आप अच्छी से अच्छी डाइट लीजिए। चौथी वजह, थायराइड की गड़बड़ी से हमारे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। पांचवा कारण, हमारे शरीर में अगर खून की कमी है तो भी हमारे बाल झड़ते हैं। खाने पीने पर ध्यान रखिए, जिस वजह से आपका आपके शरीर को प्रोटीन विटामिन मिनरल्स वगैरह मिलते रहें और आपके शरीर में खून की कमी ना होने पाए। दोस्तों, छठवीं वजह, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये इस चीज़ को, स्ट्रेस यानी कि तनाव, चिंता, जो आप चिंता करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, चिंता मुक्त हो जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर तनाव है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको चिंता रहती है, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। या दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आप जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, जितना ज़्यादा आप चिंता करेंगे, आप तनाव में रहेंगे, आपके बाल बिल्कुल उतना ज़्यादा आपके बाल झड़ेंगे। सातवां कारण, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या आपका जेनेटिक हेयर लॉस था? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जेनेटिक हेयर लॉस था। मेरे पापा के भी बाल पूरी तरह से झड़ चुके हैं, और मेरा भी दोस्तों अनुवांशिक, जिसे बोलते हैं जेनेटिक हेयर लॉस, जो हमें पापा दादा नाना के थ्रू मिलता है। अगर हमारे पूर्वज भी अगर उनके बाल झड़े हैं तो हमारे भी बाल झड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्द इस पर एक नया वीडियो बना के डाल दूंगा जेनेटिक हेयर लॉस पर भी, वो भी आपको प्रूफ के साथ। मैं अपने पापा के साथ एक वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।